नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हेल्दी ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नारियल का तेल और कपूर आपकी त्वचा और आपके बालों की ग्रोथ में कैसे बढ़ाने ग्रोथ को बढ़ाने में कैसे सहायक है। तो दोस्तों, नारियल का तेल, जो जैसे कि आप जानते हो कि नारियल का तेल आपको बहुत सी बीमारियों से, जैसे त्वचा के संबंधी रोगों से आपको निजात दिलाता है, वैसे ही नारियल का तेल आपके बालों को घना करने में भी आपकी सहायता करता है। ये कपूर जो पूजा में काम में लिया जाता है, अपन पूजा में जो कपूर काम में लेते हैं, आप उसकी एक टेबलेट को लीजिए और उसे उसे आप टुकड़ों में बांट दीजिए, या फिर आप उसे अच्छे से किसी भी सहायता से पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसमें 1 चम्मच ऑयल मिलाइए, ऑयल मिलाइए ये नारियल का। अगर 1 चम्मच आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और नारियल का तेल जो है वो शामिल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। आप 1 चम्मच इसमें अच्छे से मैश करें। अगर 1 चम्मच आपको कम लगे तो आप दूसरी चम्मच इसमें और मिला लीजिए। ये नारियल का तेल और कपूर का जो मिश्रण है, ये आपके जो सिर की जो त्वचा है उसके रक्त संचार को बढ़ाता है और आपके बालों को घना करता है और आपके जो डैंड्रफ होता है उसे बिल्कुल खत्म कर देता है और आपके बालों को लंबा भी बनाता है। ये घरेलू जो छोटा सा नुस्खा है, ये आपको आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप अगर आप इसे एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कपूर और नारियल का तेल आपके लिए कितना फायदेमंद। मैं आपको लगा के बताऊंगी कि नारियल का तेल और कपूर आपको कैसे लगाना है। ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा और नारियल तेल मिलाऊंगी। नारियल तेल, कोई भी नारियल तेल ले सकते हैं आप, जैसे पैराशूट, अमूल, कोई भी नारियल का तेल। अब इन्हें लगाने का एक ही है, आप अपनी अंगुलियों को अच्छे से इस जो मैंने पेस्ट बनाया है उसमें अच्छे से डुबो के फिर आप इस जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे आप इसके लगाते जाइए। पूरे बालों में अच्छे से आप इसे लगाइए और लगाने के बाद आप इसे 1 घंटे 1.5 घंटे रखने के बाद आप इसके इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको जैसे जैसे ही आप इसे रेगुलर लगाएंगे वैसे आपको लगेगा कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे झाइयाँ हो जाती है, ये मोस्टली तो झाइयों के लिए ही असरदार होता है। आप इसे लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपकी जहाँ भी झाइयाँ हैं चेहरे पे। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं को ये झाइयाँ हो ही जाती है, तो आप इसे एक बार यूज करके देखिए। इस तरीके से आप इसे अच्छे से रब करके लगा लीजिए जहाँ पे आपकी झाइयाँ हैं। अक्सर महिलाओं को फेस पे ये झाइयाँ हो जाती है। और इसे अच्छे से रब करने के बाद कॉटन की सहायता से आप इसे अच्छे से पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद आप इसे रेगुलरली जैसे 7 डेज अगर यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। धन्यवाद।